तो भाई सरकार गिराने की साजिश के मामले में बड़ी खबर आपको दे दें, एफआईआर के बाद अब एक्शन में आ गई है एसओजी। एसओजी ने दो लोगों को गिरफ्तार यहां पर किया है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री शीटर समेत दो लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है, एसओजी ने इन्हें पकड़ा है। एसओजी दोनों लोगों को अब जयपुर लेकर आएगी, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सरकार गिराने की साजिश के मामले में बड़ी कार्रवाई, लगातार एक्शन में एसओजी की तरफ से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। दो लोगों को एसओजी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और दोनों को अब जयपुर लेकर आया जाएगा, जिनसे पूछताछ यहां पर अब की जाएगी। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, अब इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, पहले वो बताइए। देखिए सुमित, सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की, जो इस पूरे मामले की धुरी रहे हैं। सबसे पहले महेश जोशी ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई और सबसे पहले एसीबी में शिकायत की। हमारे साथ हैं महेश जी, आपने जो शिकायत की पहले एसीबी में की, फिर मामला एसओजी में गया और उसके बाद पूरा मामला शुरू हुआ है। एसओजी ने जो कॉल सर्विलांस लिए हैं वो भी 13 तारीख के बाद में लिए हैं, कितनी गंभीर कोशिश मानते हैं इस षड्यंत्र को अंजाम देने की? देखिए, अगर षड्यंत्र गंभीर नहीं होता तो शिकायत करने की आवश्यकता भी नहीं थी। छोटी छोटी बातें होती हैं तो कौन किसकी शिकायत करता है। बहुत गंभीर मामला था इसलिए शिकायत की, और उसके बाद जब एसओजी सक्रिय हुई है, एसओजी ने, क्योंकि एक एजेंसी सिर्फ एक केस के लिए नहीं होती, बहुत सारे केसेस के बारे में वो जांच करते रहते हैं। मुझे इस बात इसकी तसल्ली है कि जो जांच, जो शिकायत मैंने की, उस शिकायत को प्रूव एसओजी ने कर दिया। कल आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आरोपों में दम नहीं है, हम विशेष अधिकार का नोटिस देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ विशेष अधिकार का नोटिस दिया है। हम तो स्वागत करते हैं, वो कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। पूरे देश में आज हो रहा है वो सबके सामने है, हर चीज का जवाब बुलेट है। निजीकरण कर रहे हैं रेलवे का और बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, चलाने के बाद उसका भी निजीकरण कर देंगे, कोई पता नहीं है। नए नए बुलेट आते हैं, आप सोशल मीडिया पे कोई एक बात डाली अपने किसी तरीके से कि भाई कोई शक आप जाहिर करें, तुरंत उधर से बुलेट आ जाती है। और अभी हाल ही में यूपी में जो बुलेट चली है वो किसी से छुपी नहीं है। पूरे देश का में लोकतंत्र खतरे में है। ये जो राजस्थान की खरीद फरोख्त है, मैं इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ये खरीद फरोख्त की राजनीति राजस्थान में इस तरीके से कभी नहीं होती। राजस्थान में की एक अलग परंपराएं रही हैं। राजस्थान तो बहुत खुले वाला वीरों का प्रदेश है, राजस्थान की एक अलग आन बान शान है, जो करते हैं खुल के करते हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा आप देख रहे हैं, आपने अब से पहले बीजेपी का नाम नहीं लिया था, लेकिन एसओजी की जो बात आई है उसमें जो दो लोगों की बातचीत का हवाला दिया गया है, उसके बाद देर रात को जो आप लोगों ने संयुक्त बयान जारी किया उसमें भी बीजेपी को चेतावनी दी गई, क्या आपका शक पहले से बीजेपी पर था? निश्चित रूप से शक और किस पर करें राजस्थान में, कर कौन रहा है राजस्थान में नहीं, पूरे देश में। मैं बार बार कह रहा हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसने किया? अभी भी कोई प्रमाण की जरूरत है क्या भाई? किसी सोते को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जाग रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसे कैसे जगाओगे? साफ दिख रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, फिर प्रमाण मांग रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए। जो लोग आज उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो अंधभक्ति कर रहे हैं, कल पछताएंगे अगर देश के लोकतंत्र के खिलाफ कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेगी और हम हर हाल में देश में लोकतंत्र को बहाल रखेंगे। महेश जी, जो बड़े अमाउंट की बात आ रही है 20 से 25 विधायकों को तोड़ने की, 20-25 करोड़ रुपए में, 1,000 से 2,000 करोड़ रुपए जो बिचौलिए हैं, जो बातचीत करने वाले हैं वो आपस में बनाने की कह रहे हैं, क्या इतना बड़ा अमाउंट राजस्थान के नेताओं के बूते था जुटाना? तो शीर्षस्थ नेता कर रहे हैं। शीर्षस्थ नेता मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस सारे मामले को में इन्वॉल्व हैं। उनके तरफ से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनके नाम पे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। और ये बात जो एसओजी ने लिखी, ने जो अपने जांच में जो पाई है, उसमें सारी बातें स्पष्ट है। कौन
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेता हैं, इनको तो प्रदेश की जनता ही सीरियसली नहीं ले रही है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। उनकी भाषा देख लीजिए, कटारिया जी की भाषा देख लीजिए, सदन में भी धमकाने की अंदाज में बोलते हैं और बाहर जो भाषा बोले हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, जो कई बार अपने विचारों को व्यक्त कर चुके हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे वो इतने बड़े नेता हो गए। मेरे को भी धमकी दी है कि विशेष अधिकार का नोटिस देंगे, मैं तो स्वागत करूंगा। मैं कह रहा हूं संयम लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने विशेष अधिकार का नोटिस देके भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए, उनके नेताओं को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाएं। खुशी की बात है, लें विशेष अधिकार का नोटिस, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम स्वागत करते हैं, हम इसका जवाब देंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बेनकाब करेंगे। अब एक बार ऐसी बातें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसके बाद से फिर से राजस्थान में सुगबुगाहट हो गई है, इस मामले में क्या लग रहा है आपको, क्या मैंने कहा ना, राजस्थान की एक अलग आन बान शान है। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है राजस्थान में जिसके ईमान को ये डिगा पाए, और जो डिग जाए वो कांग्रेस ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर राजस्थान में कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा विधायक दल एक है। हमने कुछ लोगों से कल जिनसे संपर्क हो सका उनका बयान दिया है, बाकी ये जो हमारा बयान है ये पूरे हमारे जो 108 विधायक हैं, 107 हमारे जो विधायक हैं, इन 107 विधायकों के मन की बात है, उनका ये विश्वास है। इस बयान से राजस्थान में कांग्रेस का हर विधायक, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बयान से सहमत है, इस बात का मैं दावा करता हूं। आप कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट है, लेकिन जो तोड़ने की कोशिश हो रही है उस बातचीत में ये जिक्र आया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में नहीं बन रही है, दो कैंप हो गए हैं। कल रात को फोन इन पर विवेक बंसल जी ने भी ये बात मानी कि हो सकता है कि कुछ शीर्ष नेताओं में मतभेद हो लेकिन पार्टी पूरी कार्यकाल पूरा करेगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बंसल जी का आपने नाम लिया, बंसल जी ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, लेकिन ये मतभेद से कैंप बन नहीं नहीं, ये कैंप वैम्प की बात सब उड़ती रहती है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो बयान हमने 26 लोगों ने दिया है, ये बयान राजस्थान के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की भावना है, न तो कांग्रेस के विधायकों का, न कांग्रेस के नेताओं का, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ईमान किसी भी तरीके से कोई डिगा नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन हो। और आप भी देख लीजिए, राज्यसभा का चुनाव भी देख लीजिए, वोट हमारा कैंसिल नहीं हुआ, एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का वोट कैंसिल हुआ, और किस अंदाज में, उनके एजेंट बैठे हैं राजेंद्र राठौड़ जी, वहां पे दो जगह एक एक नंबर लिख दिया और राजेंद्र राठौड़ जी को दिखा नहीं, या तो राजेंद्र राठौड़ जी को उसके अंदर मिली भगत थी, उन्हें देख के उसको अनदेखा किया, या वोट देने वाले ने कहीं जहां पे एक नंबर लिखा वहां से उसको पकड़ के अंगूठे से पकड़ के और इस तरीके से दिखाया कि एक जगह एक लिखा हुआ दिखाई दे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जो है खरीद फरोख्त की, हॉर्स ट्रेडिंग की, इसको राजस्थान में हम सफल नहीं होने देंगे। हम कल भी आपसे मिले थे, कल आपने कहा था कि एसओजी ने अब तक आपको पूछताछ के लिए या आपके पास जो भी सबूत हैं वो मांगने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन अब जो एसओजी ने अपने स्तर पर सर्विलांस से सबूत जुटाए, क्या आप उनकी कार्यप्रणाली से, उनके काम से संतुष्ट हैं, और अब क्या आप क्या सबूत? निश्चित रूप से बधाई के पात्र है एसओजी कि जिसने ये सबूत जुटाए हैं, और जैसे ही एसओजी से बात होती है, एसओजी ने मुझे कॉल भी किया है, मुझसे पूछा है कि भाई क्या किस समय आपको सूट करेगा, क्या दिन सूट करेगा, मैं एसओजी में जाकर बयान अपना दर्ज कराऊंगा। तो मुख्य सचेतक महेश जोशी कह रहे हैं कि वो एसओजी में जाकर के अपने बयान दर्ज कराएंगे, एसओजी के काम की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही देखिए सुमित, महेश जोशी ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेसी बिकेगा नहीं, डिगेगा नहीं, और जो डिग जाए वो कांग्रेसी नहीं, ये बड़ा बयान है। साथ ही प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के ऊपर महेश जोशी ने सवाल उठाए कि क्या राजेंद्र राठौड़ की पूरे मामले में मिलीभगत थी, क्या उन्होंने जो वोट हुआ राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से उसको बारीकी से नहीं देखा, जो वोट निरस्त हुआ था, ये सारे सवाल अब पूरे मामले में उठते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, मामले में कहीं ना कहीं सवाल कई हैं, जवाब जो है जिसमें बीजेपी को भी देने हैं, और दूसरी तरफ जिन तमाम चीजें जिसका जिक्र भी आपने यहां पर कर दिया, जिस खींचतान का, उसका भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कहा यही जाता है कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर है, तो यही स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वापस आपके पास लौटेंगे, अपडेट इस पूरे मामले में लेते रहेंगे आपका। फिलहाल बहुत शुक्रिया।